हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। हम फुल चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप ये देख रहे हैं कार्टिजन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको आप? कार्टिजन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके। चलिए, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव और ये है वाई नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास एक्स के जो पॉइंट हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे वाई के जो पॉइंट हैं वो पॉजिटिव होंगे आपके पास। इस साइड आपके पास एक्स नेगेटिव बोला गया है, तो एक्स के जो पॉइंट हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और ये आपके पास सेंटर है इसका सेंटर का आपके पास ज़ीरो कोऑर्डिनेट होगा, ओके। अब यहाँ पे -1, -2, -3 और -4, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा वो प्लस प्लस होगा, इस साइड हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब इस प्लेन को आप क्या बोलते हैं? कार्टिजन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टिजन प्लेन। और आप बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन एक और फॉर्म है इसकी, आपके पास एक कार्टिजन प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, थर्ड भी आपके पास इसकी फॉर्म थी कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास थ्री फॉर्म है इसी की, ठीक है। मतलब तीन तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीन तरह के आप इसको नाम दे सकते हैं, कार्टिजन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। अब बेटा जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको एक्स के कोऑर्डिनेट को आप बोलते हैं इस कॉल्ड एब्सिसा। क्या बोलते हैं आप इसको? एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा के स्पेलिंग चेक कर लीजिए आप एक बार। कोऑर्डिनेट प्लेन के हमारे पास ये क्या होता है? एब्सिसा। एब्सिसा के स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल एस, सी आई डबल एस ए, ओके बेटा। अब वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को आप बोलेंगे इस कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज में आगे आपको पूछेंगे ये क्वेश्चन। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हमें अगर माना जाए, कोई पूछा जाए कि एक पॉइंट प्लॉट करिए, हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो एक्स का होगा, सेकंड पॉइंट जो होगा वो वाई का होगा। तो ये जो पॉइंट आए आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये ए पॉइंट है, ये आपके पास होगा 3 और 2, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 2। और यहाँ पे अगर हम माने हमने डी पॉइंट लेना है, ठीक है, डी पॉइंट है हमारे पास 4 और 2, तो ये आ गया माइनस का 4 और ये 2, तो ये आ गया -4 -2, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब ओरिजन, ओरिजन में हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, एक्स भी 0 है यहाँ पे, वाई भी 0 है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आपको और यहाँ से कुछ, बस मेन चीज़ आपकी यही थी, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसके एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट होंगे, वाई एक्सिस है वाई के पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है एक्स के नेगेटिव पॉइंट है, वाई नेगेटिव है वाई के नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अगर हमें और साथ में इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पूरे को बोलते हैं कार्टिजन प्लेन, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 1 पे, 3.1 पे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए,
छोटा सा चैप्टर है आपका, ये हम इसी एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे, इसी मतलब वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आपने ये जो है वीडियो को देखना ज़रूर है, पूरी वीडियो देखेंगे और चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए अब आपके पास है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में बेटा आपको बोला गया है, ऐसे जर्नल सा क्वेश्चन है आपके पास, ये कहाँ गया, हाँ इसमें आपको बोला गया है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल ऑन टू अनदर पर्सन। आपने किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है, एक्सरसाइज है 3.1। आपके स्टडी टेबल पर, ये आपके पास है स्टडी टेबल, ठीक है। ओके बेटा, ये आपके पास क्या है, एक स्टडी टेबल। आपने किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है कि आपका टेबल लैम्प जो है वो पड़ा है, तो अगर हम ये आपका टेबल लैम्प ये बना दिया, ठीक है, ये टेबल लैम्प ये कुछ इस तरह से इस डिस्टेंस पे होगा, कुछ इस तरह से इस डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब आपने कार्टेशियन प्लेन में पड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, अगर हम ये ओरिजिन ले लें, ये ओरिजिन ले लें, तो ये इतना एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही पढ़ा ना आपने, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन में आपने ये पढ़ा, आई थिंक ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन से पहले डिस्क्राइब हो रहा क्वेश्चन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन आपको बाद में बताया जा रहा है बेटा, ये सिंपल आपको पहले दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस की बजाय अगर आप यहाँ पे ये देख लो, आपको ये तो पता है ना, इस तरह से आपके पास क्या होती है, रोज़ होती हैं, क्या होती हैं, रोज़, और ये वाली जो लेंथ होती है क्या होती है आपके पास, कॉलम, ठीक है, रोज़ और कॉलम। तो आप क्या बताएंगे, पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प, तो क्या बता देंगे, अगर रोज़ की तरफ से है आपका पॉइंट, तो ये कुछ ले लेंगे आप डिस्टेंस, यहाँ पे 20 ले लो, इधर का डिस्टेंस आप 15 ले लो, तो ये आ जाएगा 20 15। ओके, अगर इन अदर केस है, और ये ऐसे भी हो सकता है कि हमें पहले रो कॉलम दे दे फिर रोज़ दे दे, ठीक है। बट हमारे पास अभी हमने कार्टेशियन प्लेन में सीखा कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो पहले आता है, वाई एक्सिस का बाद में आता है, ठीक है। अगर हम उस तरह से देखें तो हमारे पास 20 और ये 15, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सही है। अगर आपने दूसरी वे से देना है, क्योंकि अभी यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की कोई बात नहीं, सिर्फ आप बता रहे हैं कि आपका जो टेबल है वो किस तरह से पड़ा है, तो वो आ जाएगा जब 15 और 20, दोनों वे से आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे इसको, दोनों वे से कि पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प वो क्या है, 20 15 है, मतलब इतने डिस्टेंस पे है टेबल पे, और आर 15 20 है, ये डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए पहले इसको क्या कह रहा है। स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के पास ना टू मेन रोड हैं जो क्रॉस करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी में। दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो रोड है ना आपके पास, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आप ये डायरेक्शन देख लेंगे, नॉर्थ और आपके पास ये साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई। फिर आपके पास है ये वेस्ट और ये है ईस्ट, ये डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह से आपके पास रोड्स। फिर आपको बोला गया है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। कहते हमारे पास इस रोड पे और भी स्ट्रीट्स हैं वो इसी के पैरेलल हैं, ठीक है, और 200 मीटर अपार्ट है, मतलब बीच में जो डिस्टेंस है ना सबका वो 200 मीटर है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट है जो वो ईच डायरेक्शन में है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, अगर आप ये ग्राफ पे बनाओगे तो वहाँ पे अब 200 मीटर तो डिस्टेंस नहीं लोगे ना,
200 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। तो आपके पास 5 स्ट्रीट हैं इन ईच डायरेक्शन, मतलब जैसे ये एक आ गई आपके पास, एक और ये आ गई, टू आ गई, ये थ्री आ गया आपके पास, ये फोर और ये फाइव, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास हैं 5 ईच डायरेक्शन बोला है इसने, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये डायरेक्शन बन गए। फिर आपको बोला है इसने ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, ऐसे मॉडल बनाना है आपको, रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, कहते हैं आपके मॉडल में भी ऐसे, मतलब मॉडल जो आपने बनाया ऐसे बना के दिखाना। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी आपके पास। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू एज फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये सेकेंड स्ट्रीट होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, तो आपने लिखना है, लिख लीजिए, ये है आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आ गया आपके पास, ओके, ये डायरेक्शन आ गई। फिर आपको बोला गया है सेकेंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फिर फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये आ गई। फिर वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग पॉइंट, यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ये क्रॉसिंग पॉइंट हो गया इसका, यहाँ पे आ गया आपके पास टू और फाइव, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, टू और फाइव पॉइंट हो गया। यूजिंग कन्वेक्शन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर, फर्स्ट ये दे दिया, सेकेंड आपको कह रहा हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज फोर थ्री। अब फोर थ्री, फोर किसका, नॉर्थ का, थ्री किसका, इसका, तो फोर थ्री कौन सा पॉइंट हो गया, ये आ गया आपके पास फोर और थ्री। फिर आपके पास कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज थ्री फोर, थ्री है नॉर्थ का और फोर है इसका, तो थ्री फोर ये पॉइंट हो जाएगा, थ्री फोर, ठीक है, ये आपके पास थ्री फोर पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सेकंड क्वेश्चन 3.2 का, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, क्रॉस स्ट्रीट जो है आपने ये मार्क करके बता दिया, आर मार्क्ड ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो आपके पास आप लिखेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड नॉर्थ साउथ, क्या है आपके पास, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है ना आपके पास, हाँ, एंड ईस्ट वेस्ट है, यही दिया है ना क्वेश्चन में, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलिए अब आप करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। चलिए 3.2 पे आ जाइए। थ्री पॉइंट टू में बेटा आपको बोला गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 3.2 के, ठीक है। कार्टिजन प्लेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है बेटा राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिजन प्लेन। अब वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 3.2, वर्टिकल लाइन को पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो वो क्या होती हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर आपके पास है वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं आपके पास, वर्टिकल लाइन क्या होती है आपके पास,
वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है बेटा। ओके चलिए, अब आपके पास है नेक्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है आपके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अब आपके पास ये टू लाइन से जो ईच पार्ट बना, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट। अब थर्ड पार्ट है आपके पास, व्हाट नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट। अब ये लाइन जो इंटरसेक्ट करें इसको क्या बोलते हैं, ओरिजन। क्या बोलते हैं, ओरिजन। सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा बुक में, आपके पास है ये ग्राफ बना हुआ, ठीक है, उसमें आपके पॉइंट प्लॉट हुए हैं, एनसीईआरटी बुक है आपके पास, ठीक है। चलिए वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है आपके पास बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ये ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे ये आपको दिया है ग्राफ, ठीक है, ये है आपके पास ओके। चलिए ये बना लेंगे अभी आप, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट है आपके पास 1, 2, और आपके पास ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। फिर है 1, माइनस का -2, -3, -4, -5, ठीक है। चलिए आपको बी पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे है आपके पास बी पॉइंट। फिर आपके पास है यहाँ पे एच पॉइंट, एच पॉइंट है, और यहाँ पे है जी पॉइंट, और यहाँ पे आपके पास ई पॉइंट। फिर आपके पास है सी पॉइंट, फिर आपके पास है बी पॉइंट, हो गया डी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ओके। अब आपको कोऑर्डिनेट जो पूछे गए हैं आप आंसर देते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको बोला है बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो अब पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर वाई एक्सिस का आता है, तो क्या आ गया, -5 और 2 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ पे पहले एक्स का पॉइंट है 5, फिर -5, तो 5 -5 आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट है आपके पास पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब -3 -5 -3 और -5 ये वाला पॉइंट है -3 -5, तो कौन सा है वो ई। फोर्थ पार्ट में है आपके पास द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 है एक्स का और -4 है वाई का, ये 2 -4, तो ये कौन सा है जी, ठीक है। फिर आपके पास है फिफ्थ वाला पार्ट इसका, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो डी का एब्सिसा पूछा गया है, 6 और 2 है, तो 6 क्या आ गया, एब्सिसा। अब है 6 वाला पार्ट आपको, ऑर्डिनेट पूछा गया है एच का, ऑर्डिनेट है वाई का पॉइंट, ऑर्डिनेट है एच का -5 है और -3, तो -3 है वाई का पॉइंट, ठीक है। अब है आपके पास सेवन्थ पार्ट में है कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट, एल कहाँ पॉइंट है आपके पास, एल भी पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ हमने बनाया नहीं, एल है आपके पास
यहाँ पे आपके पास L पॉइंट है फाइव पे, यहाँ थ्री फोर फाइव, फाइव पे L का पॉइंट है। तो बेटा अगर यहाँ पे लाइन के ऊपर ही पॉइंट है ना आपके पास, तो मतलब जिस लाइन पे है उसका पॉइंट है, जिसका जिस लाइन पे नहीं है उसका पॉइंट ज़ीरो है। तो मतलब ज़ीरो और फाइव है इसका पॉइंट, समझ आया? नहीं, आपके पास जिस लाइन पे पॉइंट है उसी लाइन का पॉइंट है, वाई का पॉइंट है, मतलब वाई का सेकंड वाला पॉइंट होता है, फर्स्ट जो एक्स का पॉइंट है यहाँ पे वो ज़ीरो है। ओके, तो आपने एल के पॉइंट पूछे हैं यहाँ पे, वो आ जाएंगे ज़ीरो और फाइव। फिर आपके पास एट्थ पार्ट है यहाँ पे एम, एम के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। एम कहाँ है आपके पास पॉइंट? एम है आपके पास एक्स वाई जेड, एम ये है, ये वाला एम है आपके पास, ठीक है? तो बेटा एम यहाँ पे माइनस थ्री पे है, तो मतलब एक्स एक्सिस का नेगेटिव है ना ये, अगर ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है तो यहाँ पे वाई का पॉइंट क्या हुआ? ज़ीरो। तो एम के पॉइंट क्या आ जाएंगे? माइनस थ्री और ज़ीरो, ठीक है? ये आगे चलिए, अब ये एक्सरसाइज 3.2